पंडित जी, इस मंदिर का कुछ कुछ बताइए ना, क्या है ये मंदिर का? ये सिंहाचल पहाड़ है। शिष्य मुनि आए थे तप करने के लिए। अच्छा, तो पानी का साधन नहीं था। अच्छा, तो भोला बाबा से बोले कि बाबा पानी तो है नहीं, तो कैसे सिद्ध करेंगे? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अभिजीत ब्लॉग। तो गाइस, आज गुवाहाटी में दूसरा दिन है और कल IPL लेके आया। आप सभी लोग देखे अच्छा। ये वीडियो तो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ और मेरा एक दोस्त है, तो हम लोग का कंपनी का एम्प्लॉय निगम, तो साथ में है, उसका साथ में था होटल में, होटल 3 AM में फुलुबारी में। तो अभी मैं निकलने वाला हूँ, मतलब मैं जाने वाला हूँ वशिष्ठ मंदिर में। तो चलिए, आज का वीडियो भी बहुत ही बढ़िया होने वाला है, आप लोग देखते रहिए। तो चलिए दिखाते हैं भाई को। तो गाइस, ये रहा भाई, अभी भाई को छोड़ के जाने वाले हैं। तो मेरा बैग भी रेडी हो गया, तो बैग होटल में रख देंगे, तो निकलते हैं भाई, फिर मिलते हैं। ठीक है भाई, और कुछ छोटा तो नहीं है ना? ठीक है, चलते हैं। और GoPro भी ले लिया, मतलब मोबाइल से स्टार्ट किया। तो गाइस, ये रहा होटल का एक भाई, तो इसको बैग दे दिया, बैग अभी रख दिया, थैंक यू। तो क्या नाचोगे? तो मैं आता हूँ शाम को, आगे लेके जाऊंगा। नाम क्या है? ऋषिकेश तालुकदार। ये डिपू करो का घर का सामने में रहता है। चलो आता है। फिलहाल अभी मैं गाइस होटल से निकल चुका हूँ और ये रहा फुलुबारी का कुछ नज़ारा, इसलिए आगे जाते हैं, मतलब ब्रेकफास्ट करना होगा, इसलिए भूख भी लगाए। तो गाइस, आगे चलते चलते एक आंटी जी का दुकान मिला है, तो यहाँ पे अभी आया हूँ खाने के लिए पूरी। तो आंटी जी को दिखा देते एक बार। आंटी जी नमस्ते, एक बार देखिए। तो यहाँ मैं अभी पूरी खाने के लिए, क्योंकि फुलुबारी ब्रिज का सामने ही है, तो यहाँ में पूरी खा के निकलेंगे सीधा। आंटी जी बोल दिया उधर से बस मिलेगा, बोलो। खाना पूरा एक नंबर है। आप लोग ये याद रखिएगा, मतलब बड़ा होटल देख के मत घुसिए, छोटा मोटा होटल में घुसिए, एकदम टिप टॉप खाना मिलेगा ना भाई। तो अभी मैं गाइस खाना वाना खा के फुलुबारी का बस स्टैंड में बैठा हुआ हूँ। यहाँ से मिलेगा वशिष्ठ का गाड़ी, और ये भाई को मिला था, उससे पूछ लिया था, चलिए आगे दिखाएंगे आप लोगों को। गाइस, फिलहाल अभी मैं बस से उतर चुका हूँ और ये रहा वशिष्ठ चाली। तो अभी सीधा जाना है उल्टा पार वशिष्ठ मंदिर पे, तो चलिए दिखाते हैं, वहाँ से ऑटो भी मिल जाएगा बोले। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं भीड़ कैसा है, बहुत ही ज़्यादा है, और मुझे अभी उस पार जाना पड़ेगा यहाँ से, मतलब उस तरफ ब्रिज बना है वहाँ से, और ये आंटी लोगों ने बता दिया है मुझे रास्ता। आई जो मतलब रास्ता पार होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ब्रिज का, और उस पार से रास्ता है बोले, चलिए दिखाते हैं। तो ये रहा गाइस वशिष्ठ चराली, और यहाँ में एक भैया को मिल गया, यहाँ से पूछ लिया भैया से, भैया में रास्ता है बोला है, और यहाँ से 10 रुपया लेते हैं बोले, मालूम नहीं अभी, मालूम चल गया उसमें से। भाई, आपका नाम? राजू। राजू क्या लिखते हैं? बहुत बहुत राजू गोस्वामी। यहाँ में ही रहता है ना आप घर? यहाँ कहीं ठीक है, मैं तुलसिया से आया हूँ, वशिष्ठ जा रहा हूँ। अभी मैं बैटरी ऑटो में वशिष्ठ की तरफ जा रहा हूँ, यही है वशिष्ठ का रास्ता, और देखिए सीधा सीधी रास्ता है, पूरा खाली है, और इधर में आंटी लोग हैं, आंटी लोग भी सामने गए हैं, तो एक साथ में हम लोग जा रहे हैं। कितना दूर है यहाँ पर? 10 मिनट। अच्छा अच्छा, इस साइड में पूरा खाली है, इधर में अपना भीड़ नहीं है। वशिष्ठ पहुँचने से पहले और एक मंदिर है, तो हमें आगे उधर गया है, और आगे में है वशिष्ठ। की नाम? मनीषा दास। किमान क्लास ऊपर है वन? A few moments later. तो गाइज, ये रहा वशिष्ठ का सामने का नज़ारा, और फाइनली पहुंच गया वशिष्ठ। देखिए बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये रहा वशिष्ठ का रास्ता, तो चलिए चलते हैं, अभी आप लोगों को दिखाएंगे आगे जाके कैसा लगता है अंदर का नज़ारा। तो गाइज, ये रहा वशिष्ठ का बाहर का नज़ारा, पूरा दुकान पाट देखिए, बहुत ही बढ़िया दुकान पाट है सारा। इस तरफ क्या है मालूम नहीं है, चलिए अंदर की तरफ जाते हैं अभी, अच्छा लग रहा है।
दुकान पर देखिए बहुत ही बढ़िया है, सब कुछ मिलेगा आप लोगों को। बात ऐसा है गाइस, मतलब दो दिन से यही कपड़ा पहना हूँ और कुछ मतलब धुला वाला तो नहीं है, अब तक धुलाया नहीं है। चला जा बहुत ठीक है, और ये पहन के जा रहा हूँ, भगवान माफ़ कर दीजिएगा। तो दिखाते आप लोग अंदर में जाके नज़ारा कैसा है, बाहर से अच्छा लग रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस, यहाँ में लिखा हुआ है जूता सैंडल पहन के अंदर जाना मना है, और यहाँ पे दान पत्र है। तो चलिए इधर में रख देते हैं, रखने का जगह भी है, ये है जूता रखने का जगह। पता कि मान लो कि मान लो एजन शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। 39 नंबर का कूपन मिला है जूता रखने के लिए। पंडित जी से पूछे, पंडित जी इस मंदिर का गजब बेइज्जती है। उधर से पंडित जी इस मंदिर का कुछ कुछ बताइए ना, क्या है ये मंदिर का? ये सिंहाचल पहाड़ है। हाँ सिंहाचल, सिंहाचल। अच्छा सिंहाचल पहाड़ में जो है सो वशिष्ठ मुनि आए थे तप करने के लिए। अच्छा तो पानी का साधन नहीं था। अच्छा भोला बाबा से बोले कि बाबा पानी तो है नहीं, कैसे सिद्ध करेंगे? अच्छा तो भोला बाबा कृपा करके इनको तीन बहन को दिया, संध्या ललिता और कांता। अच्छा तीन बहन को दिया तो वहाँ पानी आया, तो वशिष्ठ मुनि जो है सो तीन उंगली से शिला जो है सो तीन फाड़ा बनाए। अच्छा तीन उंगली से शिला फाड़े हुए हैं, तब पानी आया। पानी आने के बाद में उनका जो है सो कहने का मतलब ये पूरा हो गया। अच्छा। जग जो कर रहे थे जग पूरा हो गया, जग पूरा होने के बाद में मतलब शिव में जो है सो समा गए, वो यही बिलीन हो गए। अच्छा अच्छा, तो ये वशिष्ठ धाम ये कहा जाता है, वशिष्ठ मुनि से वशिष्ठ गंगा बोला जाता है। अच्छा अच्छा, वो अंदर में तो नदी, अंदर में तो नदी है, अंदर में ही है, वशिष्ठ मुनि ही लाए हुए है ना ये तीनों वाहन को, संध्या ललिता भगवान का ही बनाया हुआ है, का ही बना। खाली ये सब जो मंदिर तो आदमी लोग ही बनाया है। अच्छा अच्छा, बगल में जो है तो गणेश माँ दुर्गा है। हाँ उस सामने ना, ठीक है। आगे में शिव बाबा वशिष्ठ बाबा हैं। अच्छा तो आप कितना साल से यहाँ हैं? बस हमें ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, हमें 2.5 साल से है। 2.5 साल से, इससे पहले दूसरा कहीं में, ठीक है धन्यवाद। तो चलिए बाबा जी ने बता दिया है कहानी, अभी सीधा अंदर जा रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग पूरा आराम से सोया हुआ है। ये रहा गेट गाइस, देखिए बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। तो अंदर जा रहा हूँ, ये रहा मंदिर, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो गाइस अभी मैं मंदिर का साइड से आ गया हूँ, इधर से पूरा मंदिर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, और नीचे में पूरा पानी है। चलिए दिखाते हैं, नज़ारा काफ़ी बढ़िया है। और इसी जगह में आदमी लोग आके फ़ोटो क्लिक करते हैं, तो आज मैं मालूम चला है, देखिए नज़ारा काफ़ी बढ़िया है, आदमी कहाँ कहाँ से आया है, नहा भी रहा है। एक्चुअली मैं तो टाउन लेके नहीं आया, तो नहीं नहा सकता। एक्चुअली गाइस रास्ता इस तरफ से है, मैं उस तरफ से आ गया। पानी का साउंड आप लोग सुन सकते हैं, देखिए ये पानी बहुत ही बढ़िया से बह रहा है, और इस तरफ भी पूरा पानी है। देखिए आदमी पूरा ऊपर ऊपर बैठा हुआ है सब लोग, और ऊपर में देखिए पहाड़ है, साइड में नज़ारा जो है काफ़ी बढ़िया है। तो ये रहा गाइस गणेश मंदिर, देखिए जो कि बहुत ही बढ़िया है, पूरा आदमी लोग देखिए चारों तरफ बैठा हुआ है, सब लोग एकदम आराम से। आप लोग देख सकते हैं वशिष्ठों का साइड में एकदम पूरा पहाड़े पहाड़े चारों तरफ, मतलब रास्ता है देखने से मालूम नहीं चलता है, और पीछे में देख लीजिए बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। तो गाइस अभी मैं धीरे धीरे आगे जा रहा हूँ, एक एक पत्थर करके, रास्ता बहुत खतरनाक है, बहुत ही बढ़िया है नज़ारा। देखिए उधर से देखिए पानी बह रहा है कैसे करके, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इस जगह में बैठूंगा अभी, बहुत ही बढ़िया नज़ारा है, देख सकते हैं बहुत पूरा आदमी चारों तरफ बैठा हुआ है, इस तरफ पूरा आदमी आदमी है चारों तरफ। यहाँ में आप लोग देख सकते हैं भैया पूरा नहा रहा है पानी में, बढ़िया से एकदम घुस गया है। हाँ हाँ, तो गाय ये लोग नहा तो रहा है, लेकिन ये देखना पड़ेगा ये पानी कहाँ से आ रहा है, देख लेते हैं एक बार पानी किस तरह से आ रहा है।
भैया पानी इस तरफ से आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं उसमें ब्रिज जो है उसका नीचे से बह रहा है, बहुत ही बढ़िया है। ये रहा मेन पानी का रास्ता। अच्छा तो इधर से आ रहा है पानी, ये रहा मेन रास्ता पानी का, पानी इस तरफ से आ रहा है आप लोग देख सकते हैं। नीचे में आदमी लोग बैठा हुआ है और यहाँ में ब्रिज जैसा है, देखिए ये रहा मेन रहस्य। तो पानी इस तरफ से आ रहा है, पानी ये कहाँ से आ रहा है, ऊपर से इस तरफ क्या है एक बार देख लेते हैं। जगह तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है साइड में। अच्छा पानी इस तरफ से जाके उस तरफ से आ रहा है, पानी इस तरफ से जाके उस तरफ से आ रहा है, मतलब यही है रहस्य। अब ये क्या पानी आ रहा है किसी को भी मालूम नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? अभी मैं गाइस छोटा मोटा एक नदी जैसा पार कर रहा हूँ और इधर से सीधा ऊपर में उठ रहा हूँ। इधर में क्या है एक बार देख लेते हैं। रास्ता जो है बहुत ही बढ़िया लग रहा है, पूरा पहाड़िया है ना तो मन को शांति मिल रहा है। अच्छा ऊपर में कुछ नहीं है, खाली खाली है जगह। ओ गाइस नज़ारा आप लोग देख सकते हैं जो कि बहुत ही अल्टीमेट नज़ारा है, ऊपर से बहुत ही अल्टीमेट लग रहा है। मास्क कसम गाइस देख लीजिए आप लोग, वो ब्यूटीफुल। अरे भाई साहब मैं अभी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, मतलब इधर में पूरा पहाड़िया लग रहा है देखिए। अच्छा ऊपर में रास्ता बहुत ही अनकॉमन है। अरे बाप रे क्या है ऊपर में, कुछ नहीं है और इधर में पूरा पहाड़े पहाड़े। अच्छा ऐसे में कुछ नहीं है तो ऊपर में जाके फायदा नहीं है, नीचे उतर जाते हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं गाइस बच्चा लोग कितना मज़ा मारा है पानी में। मतलब ये जो पानी है पूरा शिलोंग से आ रहा है, एकदम पूरा शिलोंग से हो गया है ना भैया, हाँ यहाँ पे रहता है ना। कहाँ से है, कहाँ से है तुम लोग? यहाँ में काम है, काम है घर है बाबू, हाँ घर काम है उधर से है, अकेला है पहले आया था यहाँ में, पहले आया था ये लोग, मतलब पूरा उत्पाद कर रहे हैं लेकिन। तो गाइस ये रहा बच्चे लोगों का माँ और पिताजी, घर में ही लेकिन घर में माँ है और पिताजी है और इस तरफ देखिए लोग पूरा पक कर रहे हैं। क्या उठा रहे आप लोग देख सकते हैं इस पानी उधर से आके इसे उधर से नीचे से जा रहा है और यहाँ पत्थर बहुत ही बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे देखने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। बहुत ही बढ़िया नजर आ रहा है, अगर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया है। इस तरफ देख लीजिए, इस तरफ भी आदमी बहुत ही ज़्यादा आ ही रहा है, कब से रुका नहीं है अभी तक। तो आप लोग देख सकते हैं मैं इस तरफ से आया था और यहाँ पे भी देखिए यहाँ से उतर के यहाँ में भी नहाने के लिए जगह है, आप लोग नहा सकते हैं यहाँ पे आके आराम से बीच में घुस के, बहुत ही बढ़िया है। तो अभी मैं अंदर जा रहा हूँ और यहाँ पे एक भाई को मिल गया है, भाई क्या नाम है? चेतन माते यहाँ में रहता है ना, तो भाई थोड़ा हेल्प कर देगा मुझे, तो मैं अभी थोड़ा मूड होगा इसलिए। नो बहुत ज़्यादा गड्ढा है, गड्ढा बहुत ज़्यादा है, गड्ढा बहुत ज़्यादा है, हाँ पूरा गड्ढा ही है। चिला चिला
अरे चिल्ला कोई है क्या? और नहीं कोई है मतलब पूरा गड्ढा है अंदर। वहाँ पे मेरा दोस्त लोग है, पूरा टीम पूरा गड्ढा है। भैया ने मुंह धो लिया। बाप रे बाप, सोचा नहीं था इतना गड्ढा होगा। बहुत ज़्यादा गड्ढा है अंदर, बहुत मजा आया। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, भाई कैसे नहा रहा है, बहुत ही बढ़िया से नहा रहा है एकदम। ये जो फीलिंग है बहुत ही मस्त फीलिंग है। पहाड़ का बीच में नहा रहा है भाई, देखिए। हेलो गाइस, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है। ठीक है, नहाओ आता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्वयं श्री राम रूप हनुमान को मिल गया। भैया आप कहाँ से आए? मैं सालकुची से आ रहा हूँ। सालकुची से? अच्छा अच्छा, कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत अच्छा लगा है। फर्स्ट टाइम ना? पहले भी आया? पहली बार आया है। हमारा जो गुरु है, मेरा जो गुरु है जिंटू बरगुजारी, मेरा डांस मास्टर है। हाँ, बेटे का श्री मदन का। अच्छा अच्छा, ये हमें आया ना। ठीक है, जय श्री राम। ठीक है, चलते हैं। तो बात ऐसे गई, मतलब गणेश मंदिर का भी थोड़ा दर्शन करके आते हैं। बात ये रहा श्री गणेश मंदिर का, और अभी मैं नीचे जा रहा हूँ। यहाँ भी बहुत ही बढ़िया है, देख लीजिए आप लोग नज़ारा मंदिर का। यहाँ तक तो घुस सकते हैं। ये रहा गणेश मंदिर, और इस तरफ से भी आ रहा है नदी, देख लीजिए। और एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ गाइस, देखिए सबसे बड़ा चूहा मतलब मोदक गणेश भगवान का साथ होता है, वो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। देखिए कितना बड़ा है, फर्स्ट टाइम देखा हूँ इतना बड़ा चूहा। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस, यहाँ से भी नज़ारा काफ़ी बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। एकदम बाहर से बहुत ही मस्त लग रहा है, जाने का तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन जाना पड़ेगा, सब काम है। अभी जाके मुझे थोड़ा क्या बोलते हैं मेरा नाम गलतला भी जाना है, चलिए चलते हैं। और एक झलक देख लीजिए, ये वाला नज़ारा देखिए काफ़ी बढ़िया है। मतलब बात ऐसे है, मतलब यहाँ पे आने से प्रसाद लेके जाना पड़ता है, सिस्टम भी बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे देखिए एकदम फ्रंट साइड में शिवलिंग, चलिए अंदर जाते खा लेते। मतलब खाना खाने का बाद हाथ धोने के लिए आप लोगों को नदी पे आना पड़ेगा, यहाँ से आराम से धोइए और जाइए। तो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से गाइस, बहुत दिन बिता दिया यहाँ पे, तो चलिए चलते हैं। अच्छा लगा बहुत, हम तो शांति मिल गया, चलिए चलते हैं। यहाँ पे जूता रखने के लिए तो जगह है ही, और जूता पहनने के लिए भी जगह है। देखिए बैठने का जगह बहुत ही बढ़िया है, और पूरा भीड़ लगा हुआ है। देखिए वहाँ पे जूता चप्पल रखा हुआ था ना। तो ये रहा वशिष्ठ का साइड का, देखिए दुकान सब बहुत ही बढ़िया है। तो अभी मैं जा रहा हूँ वशिष्ठ से, बहुत टाइम बिता लिया। तो यहाँ से ऑटो पकड़ेंगे, सीधा जाएंगे बेलतला, उसके बाद